श्री कृष्ण के 5251वें प्रकाट्योत्सव के अवसर पर 22 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद मथुरा द्वारा ब्रह्मा ऋषि देवराहा बाबा घाट वृंदावन धाम पर 5251 दीपोत्सव के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम तय किया है। इस दीपोत्सव के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और विश्व हिंदू परिषद के 60वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें यमुना पर 5251 दीप जलाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रांतीय संगठन मंत्री राजेश कुमार ने बताया कि 23 अगस्त से 1 सितंबर तक पूरे प्रांत में प्रखंड स्तर तक हिंदू एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रखंड स्तर पर हिंदुओं को एकत्रित कर उनको जाति भुलाकर एक साथ रहने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिंदू समाज के सामने लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, अवैध घुसपैठ की भयंकर चुनौती उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए हिंदू समाज का हर समय जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आज हम सभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5251 दीपोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जहाँ हमने अपनी पवित्र नदी यमुना जी के किनारे पर दीपोत्सव का प्रोग्राम किया है। ये दीप केवल प्रकाश का ही स्रोत नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और संकल्प का भी स्रोत है। हम चाहते हैं कि इन दीप के प्रकाश के साथ साथ हमारी सेवा, हमारी श्रद्धा, हमारे संकल्प, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का प्रकाश भी पूरे समाज में फैले और मैं भगवान श्री कृष्ण और देवरा बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा और अपना समर्पण अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।